अमृता फडणवीस से हमारे सहयोगी राजेश ने खास बातचीत की है। अमृता फडणवीस इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, जीत मिली है और बड़ी जीत मिली है, श्रेय किसको जाता है? श्रेय महाराष्ट्र की जनता को जाता है सबसे पहला, क्योंकि उन्होंने पहचाना कि प्रगति कहाँ उन्हें मिल सकती है और उस हिसाब से वोट किया। श्रेय जाता है हर कार्यकर्ता को, केडर को जिन्होंने साथ दिया, हर लीडर को भाजपा के जिन्होंने मिलके आज ये दिन मुमकिन किया है। लाड़की बहनों को कितना श्रेय जाता है? ये जो पूरा आया लाड़की बहनों का 1500 रुपए उनको दिए गए, उनको कितना श्रेय जाता है? यकीनन जाता है, क्योंकि लाड़की बहनें बहुत खुश थी क्योंकि उनके खातों में ये अमाउंट जा रहे थे, तो उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है आज के रिजल्ट का लाड़की बहनें, और खुशी है कि उन्होंने इतना प्यार दिया। देवेंद्र जी लगातार मेहनत कर रहे हैं, पिछले 2.5 सालों से देख रहे हैं कि सरकार में थे और अब चुनाव में 1 महीने का, आप भी उनके साथ थी, इस जो पूरा दौर रहा उसको कैसे देखती हैं? हमला हुआ आपके ऊपर भी, पर्सनल अटैक हुए फडणवीस जी पर भी हुए। देखिए, इलेक्शन के टाइम ये चलते रहता है अटैक्स पर्सनल, वो भूल जाना ही बेहतर होता है। पर इतना बताऊंगी, जितनी मेहनत की थी और ये फल देख के ऐसा लगा मेहनत को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, तो उसका बहुत खुशी हो रही है। देवेंद्र फडणवीस देवा भाव बन गए और अब कार्यकर्ता भी यही चाह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, आप क्या चाहती हैं पर्सनली? मैं चाहती हूँ कि जैसा आज का दिन आया है जो पूरे महाराष्ट्र के लिए सबसे बेहतरीन रिजल्ट लेके आया है प्रगति के लिए, उसी तरीके से हमारे वरिष्ठ नेता जो भी डिसीजन लेंगे वो महाराष्ट्र के लिए सबसे अच्छा होगा, इसका मुझे यकीन है, तो उनका डिसीजन सर आंखों पे। उद्धव ठाकरे के जो सेना के नेता हैं वो लगातार आप पे भी हमले कर रहे थे, खास करके संजय राउत जो थे वो आपके परिवार के ऊपर लगातार बोल रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि ये ईवीएम टैम्परिंग है, बैलेट से चुनाव करवाइए। अभी देखिए, अभी उनको बोलने के लिए कुछ तो चाहिए, बट आज मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती, बस ये चाहती हूँ कि अभी आगे की राह प्रगति भरी रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमृता फडणवीस थी जो बता रही थी कि इस जीत का श्रेय जो है वो महाराष्ट्र की जनता को जाता है और प्रगति को चुना है महाराष्ट्र की जनता ने, और जिस तरीके से पर्सनल अटैक किया गया उनके ऊपर या उनके पति देवेंद्र फडणवीस के ऊपर, आज के दिन वो इन सब पर बारे में बात नहीं करना चाहती। कैमरा विमल सिंह के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।